ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूँगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी देने वाला है डंकी मूवी के बारे में। आपको बताएंगे कि ये मूवी 11 दिनों में कितना कलेक्शन कर चुकी है। तो आपको बताते चलें कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी, जिसे 11 दिन पूरे हो रहे हैं और ये फिल्म अपने 11 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। तो आज हम बात करेंगे फिल्म डंकी के अब तक के टोटल इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म डंकी, जो कि राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म में शाहरुख खान के साथ में विक्की कौशल, तापसी पन्नू हमें देखने को मिल रहे हैं। बताना चाहूंगा कि बादशाह शाहरुख खान, जिन्होंने इस साल जवान और पठान जैसे तो ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म देते हैं और सबको उम्मीद थी कि डंकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई करेगी, लेकिन डंकी शायद बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करती जा रही है। इस फिल्म को रिलीव स्टार प्रभास की फिल्म सलार एक बड़ा कंपटीशन मिला और सलार ने इस फिल्म को साउथ इंडिया में तो ज़्यादा कमाई नहीं करने दी, साथ ही साथ हिंदी मार्केट में भी सलार फिल्म डंकी के ऊपर काफ़ी भारी पड़ी, जिसके चलते शाहरुख खान की डंकी के जो कलेक्शन है वो उतनी अच्छी इंडिया में नहीं हो पाई। हालांकि आपको बता दें कि डंकी के जो ओवरसीज कलेक्शन है यानी कि विदेशों कमाई तो वो काफ़ी बढ़िया रही, लेकिन बात की जाए डंकी फिल्म की अब तक टोटल कितने करोड़ की कमाई की, तो आपको बता दें कि रिलीज हुई थी 21 दिसंबर को और इसी फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 11 दिन। और बात करें 11 दिनों के डिटेल कलेक्शन के बारे में, तो शाहरुख खान की डंकी ने शुरुआती 8 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 160 करोड़ 22 लाख रुपए का किया था। वही 9वें दिन फिल्म का कलेक्शन 7 करोड़ 25 लाख रुपए रहा। 10वें दिन था शनिवार, जिसके चलते इसके कलेक्शन में एक हल्की सी ग्रोथ आई और फिल्म ने अपने 10वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 9 करोड़ 81 लाख रुपए का किया। बात की जाए यहाँ पर डंकी के आज यानी कि 11वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म को जो आज मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ फिल्म की आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज बुकिंग भी काफ़ी सॉलिड हो चुकी है। तो जो रिपोर्ट आई है अभी तक उसके मुताबिक डंकी फिल्म अपने 11वें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 12 करोड़ 50 लाख रुपए, और इसी के साथ शाहरुख खान की डंकी का शुरुआती 11 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 190 करोड़ रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 226 करोड़ रुपए। बताना चाहूँगा फिल्म की ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 145 करोड़ की टोटल कमाई कर रही है और इसी के साथ डंकी का 11 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 371 करोड़ हो चुका है। जी हाँ, फिल्म दुनिया भर में 371 करोड़ की कमाई ऑलरेडी कर चुकी है। तो फिल्म का बजट है 120 करोड़ रुपए। उस हिसाब से देखा जाए तो डंकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्लियर हिट हो चुकी है। वैसे आपको डंकी फिल्म कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहेगा, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय बउआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।